श्रीलंका में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। दोनों के इस्तीफे को लेकर लोग अड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि देश में महंगाई सरकार की गलत नीतियों की वजह से है और जल्द से जल्द दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। रात के समय भी वहां पर लोगों की भारी भीड़ प्रदर्शन करती नजर आई। सड़कों पर गाड़ियों का लंबा काफिला दिखा जो कोलंबो की तरफ जाता हुआ नजर आया, जहां जोरों से विरोध प्रदर्शन जारी है। Have been fed up for since they came into power since 2019. It has been nothing but failed promises that they told that they will fulfill, but nothing has been given. The people are fed up. Economic crisis, no petrol, there is no security in the country, no basic human rights. श्रीलंका की मदद के लिए सबसे पहले भारत ने हाथ आगे बढ़ाए। श्रीलंका में भारतीय राजदूत गोपाल बागले ने बताया कि भारत से श्रीलंका के लिए खाने पीने के सामान के साथ हजारों टन डीजल और पेट्रोल भी भेजा गया है। भारत बहुत तरीके से, कई तरीके से मदद कर रहा है और बहुत तत्परता के साथ मदद कर रहा है। श्रीलंका की सरकार ने हमसे कुछ सहायता मांगी थी दिसंबर जनवरी के महीने में। दिसंबर के में जब इनके तत्कालीन वित्त मंत्री बासिल राजपक्षा भारत आए थे तो उनके बहुत अच्छा विचार विमर्श हुआ था हमारे माननीय विदेश मंत्री और माननीय वित्त मंत्री से दिल्ली में, और वहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि श्रीलंका को एक तो करेंसी स्वैप की जरूरत थी रिजर्व बैंक से, तो वो $400 मिलियन का करेंसी स्वैप उन्होंने मांगा था, और दो लाइन्स ऑफ क्रेडिट उन्होंने कही थी, एक तो ईंधन खरीदने के लिए, फ्यूल के लिए, पेट्रोल डीजल वगैरह, क्योंकि इनका मुख्य संकट फॉरेन एक्सचेंज की कमी का है जो कि बहुत ही कम हो गया है, इसलिए ये इंपोर्ट्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो वो नहीं पे कर पाते। दूसरा उनका था कि एक लाइन ऑफ क्रेडिट $1 बिलियन की खाद्य सामग्री के लिए, फूड एसेंशियल आइटम्स, मेडिसिन वगैरह के लिए। तो दोनों लाइन्स ऑफ क्रेडिट ऑपरेशनल करी जा चुकी हैं। जो फ्यूल की लाइन ऑफ क्रेडिट है $500 मिलियन की, वो मार्च से लागू हो गई है, फरवरी में उस पर साइन हुए थे, और उसके तहत 4 कन्फाइनमेंट करीब 150,000 टन के आ चुके हैं श्रीलंका में, जिससे कि श्रीलंका के लोगों को बहुत राहत मिली है। डीजल, पेट्रोल और एविएशन फ्यूल जिसका इस्तेमाल हवाई जहाज वगैरह में होता है, तो सामान्य आदमी के जीवन में डीजल का ज़्यादा महत्व है जैसे आप जानते हैं, तो यहाँ पावर जनरेशन के लिए भी डीजल इस्तेमाल किया जाता है, तो रोजगार के लिए, पावर जनरेशन के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, वो इसकी कल ही परसों मैंने इनके एनर्जी मिनिस्टर को वो हैंडओवर किया था टैंकर। 4 कंसाइनमेंट आ चुके हैं, 4-5 और आने हैं। फूड में भी एसेंशियल सप्लाई शुरू हो रही है, भारत से एक्सपोर्ट शुरू किया जा चुका है। श्रीलंका में लोगों के सब्र का बांध अब टूटता दिख रहा है। श्रीलंका के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन पहले कभी नहीं हुए जैसे अब देखे जा रहे हैं। पहले हालात से निपटने के लिए वहां कर्फ्यू लगाया गया था, अब कर्फ्यू तो हट चुका है लेकिन सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। न्यूज 18 की टीम कोलंबो में मौजूद है जहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से उनके देश की हालत बद से बदतर हो चुकी है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। इस वक्त कोलंबो में मौजूद है, यहाँ पर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, भारी गुस्सा लोगों में है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर लिए लोग दिन भर नारेबाजी करते हैं जबकि सड़कों पर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। ना तो प्रदर्शनकारी ट्रैफिक रोक रहे हैं और ना ही किसी और तरह का हंगामा, लेकिन ना तो नारों का शोर थम रहा और ना ही प्रदर्शनकारियों का जोश कम हो रहा। हमको सिर्फ ये सबको रेजिग्नेशन चाहिए और नया फ्यूचर चाहिए। बच्चा लोग के लिए मिल्क पाउडर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है, डोंट हैव पेट्रोल, वी डोंट हैव डीजल, वी डोंट हैव गैस, एंड ऑल द मदर्स इन दिस कंट्री आर इन टियर्स। ये हाल कोलंबो की किसी एक बिल्डिंग या किसी एक सड़क का नहीं है बल्कि श्रीलंका के ज्यादातर शहरों में हालात ऐसे ही है। आंदोलन में शामिल हो रहे लोगों का हाल ऐसा है जैसे वो कोई आजादी की जंग लड़ रहे हों। ये लोग चाहते हैं कि इनका देश बचा रहे, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त श्रीलंका पर टिकी हुई है। ये लोग आजादी चाहते हैं, आजादी चाहते हैं भ्रष्टाचार से। एक तरफ आर्थिक सुनामी और दूसरी तरफ सियासी कोहराम ने श्रीलंका में आग लगा कर रख दी है।
जिसका पूरा गुस्सा लोग एक राजनीतिक परिवार पर निकाल रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे इस वक्त लोगों के निशाने पर हैं। उनका परिवार श्रीलंका में सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार है, जो पिछले करीब 20 साल से श्रीलंका की राजनीति पर काबिज है। चेहरा बीच बीच में बदलता भी रहा, लेकिन इस परिवार का दबदबा कब नहीं हुआ। दबदबा भी ऐसा कि देश की सत्ता का सबसे बड़ा पद इस परिवार के पास रहा। 2019 में गोतबाया राजपक्षे चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने, लेकिन इससे पहले उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे 10 साल तक इस पद पर रह चुके थे। और जैसे ही 2019 में गोतबाया राजपक्षे चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपने भाई महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और खेल मंत्री भी राजपक्षे परिवार के लोग ही बनाए गए। मतलब ये कि मोटे तौर पर पूरी सरकार एक ही परिवार की मुट्ठी में आ गई। इससे पहले जब महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति थे, उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय, खेल मंत्रालय और ज्यादातर सारे अहम मंत्रालय केवल राजपक्षे परिवार के लोगों के पास ही रहे। यहां तक कि उस वक्त तो दावा यह किया जाता था कि श्रीलंका की सरकार के कुल बजट का 70% हिस्सा केवल इस परिवार की मुट्ठी में बंद रहता है। इसलिए 2015 में वहां की विपक्षी पार्टियों ने परिवारवाद के मुद्दे पर राजपक्षे की सरकार को घेरा और चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे। 2019 के चुनाव में महिंद्रा राजपक्षे की जगह उनके भाई गोतबाया राजपक्षे का चेहरा आगे किया गया और चुनाव जीतने में कामयाबी मिल गई। लेकिन इस बार जब आर्थिक संकट आया तो राजपक्षे परिवार पर फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पूरे श्रीलंका में छिड़े आंदोलन के केंद्र में राजपक्षे परिवार ही है। श्रीलंका में चल रहे आंदोलन के बीच लोगों का नारा है, गो होम गोता, मतलब गोताबाय राजपक्षे का इस्तीफा। ये कंट्री कितना अच्छा कंट्री है, ये राजपक्षे खानदान पूरा डॉलर सब लूट लिया। अपने घरों से निकलकर श्रीलंका के लोग अब सड़कों पर कड़ी धूप में निकले हुए हैं। दिन भर राजपक्षे परिवार के विरोध में नारे लगा रहे हैं, राजपक्षस गो होम, राजपक्षस गो होम, राजपक्षस गो होम। राजपक्षे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इस बार देश की आर्थिक बदहाली के लिए लोग इस परिवार को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का ये भी आरोप है कि भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया था कि एक ही परिवार के 6-6 लोग जिम्मेदारी संभाल रहे थे पूरे श्रीलंका की। हालांकि श्रीलंका में पहले भी राजपक्षे परिवार पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, जिनमें सबसे गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का ही है। श्रीलंका की पिछली सरकार ने IMF और कई देशों की सरकारों से राजपक्षे परिवार का भ्रष्टाचार खोजने में मदद भी मांगी थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई। सरकार का कार्यकाल पूरा तो हुआ, लेकिन राजपक्षे परिवार का छिपाया हुआ कथित काला धन कोई खोज नहीं पाया। आरोप था कि राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका में भ्रष्टाचार के जरिए 70,000 करोड़ रुपए की दौलत को विदेशी बैंकों में ठिकाने लगा दिया। पिछली सरकार ने IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक से भी इन आरोपों की जांच करने में मदद मांगी थी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। यहां तक कि पिछली सरकार में प्रधानमंत्री पद संभाल रहे रनिल विक्रमासिंघे की अगुवाई में एक खास एंटी करप्शन यूनिट बनाई गई, जिसका काम था राजपक्षे परिवार के भ्रष्टाचार की जांच करना। उस जांच का भी कोई नतीजा नहीं निकला, मतलब ये कि किसी भी जांच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन घूसखोरी से लेकर हत्या तक के संगीन आरोप इस परिवार पर लगते रहे और इस बार भी राजपक्षे परिवार पर किसी भी अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। लेकिन देश में आए आर्थिक संकट के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालत ये है कि पेट्रोल पंपों पर भी सेना तैनात की गई है। आप पीछे आर्मी के जवानों को देख सकते हैं, वो यहाँ पर हिफाजत कर रहे हैं कि लोग ज्यादा डीजल ना भरवा दें, लोग ज्यादा पेट्रोल ना भरवा दें। लोग बड़े बड़े डब्बे लेकर पेट्रोल पंपों पर घंटों तक बैठते हैं ताकि उन्हें डीजल मिल जाए, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी डीजल नहीं मिल पाता। हाउ लॉन्ग यू आर वेटिंग? 3 आवर्स। सो यू आर वेटिंग फॉर डीजल? डीजल। यू हैव गैस इन योर होम? नो गैस। सो हाउ यू आर पेट्रोल? नो डीजल। डीजल इसलिए जरूरी है क्योंकि बिजली बमुश्किल दिन में 6 घंटे मिलती है और जनरेटर डीजल से ही चलता है। यहाँ तक कि घरेलू गैस के स्टोर भी बंद किए जा चुके हैं, जबकि घरेलू गैस के सिलेंडर की कीमत केवल एक हफ्ते में दोगुनी हो चुकी है। 12.5 केजी का सिलेंडर पहले मिलता था 1340 रुपए में, अब हो गया है 2675 रुपए में। सीधे सीधे रेट डबल हो गए हैं, ये पिछले एक हफ्ते में रेट बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल ही क्या, सुपर स्टोर से कई अहम चीजें गायब हैं। लोगों को ना पाउडर वाला दूध मिल रहा है और ना ही अंडे मिल रहे हैं। ये पूरा शेल्फ खाली है। नीचे वाला शेल्फ आप देखेंगे, यहाँ पर अंडे हुआ करते थे, इस स्टोर में अंडे नहीं है। जो सामान सुपर स्टोर में दिख भी रहा है उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। भरे पूरे परिवारों के लोग भी आधा राशन खरीद कर ही लौट रहे हैं।
जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कीमतें आसमान छू रही है। श्रीलंका के पास कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा है, मतलब डॉलर खत्म हो चुके हैं और कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए देशों को डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। श्रीलंका के पास डॉलर खत्म हो गए हैं, इसलिए अब हर वो जो चीज है वो देश के बाहर से आया करती थी वो आने में मुश्किलें हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या है पेट्रोलियम उत्पादों की, मतलब पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस। श्रीलंका के पास भी कच्चे तेल का भंडार नहीं है, वो भी भारत की तरह कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, लेकिन अब इंपोर्ट करने के लिए उनके पास डॉलर नहीं बचे हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल पूरी तरह खत्म हो सकता है। एक और बड़ी परेशानी यह है कि बिजली की कटौती बहुत ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से ज्यादातर कारखाने बंद हैं, काम धंधे ठप पड़े हैं और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बिजली की कटौती के ही कारण कई ऐसी चीजें जो फ्रिज में रखकर ठंडी रखनी पड़ती हैं वो खराब हो रही हैं और लोगों की जरूरत का सामान लोगों तक पहुंचने से पहले ही खराब हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीजों की कमी और उनके स्टॉक पर संशय होने की वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। हम जरूरी चीज का दाम कई गुना बढ़ता हुआ आपको दिखा भी रहे हैं और बाजार में मारामारी वाले हालात बनने लगे हैं और श्रीलंका की जनता इस हालत के लिए अब पूरी तरह से मौजूदा सरकार को दोषी मान रही है। सरकार के खिलाफ पूरे श्रीलंका में लोग गुस्से में हैं, केवल मंत्रियों के घर ही नहीं बल्कि अब तो कॉलेजों में छात्रों को संभालने के लिए सरकार को पुलिस और सेना की तैनाती करनी पड़ रही है क्योंकि छात्रों को भी अपना भविष्य खतरे में दिखने लगा है। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों के प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पुलिस वाले आंसू गैस के गोले छोड़ते दिखे, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि देखने वाले हैरान रह गए। छात्रों की तरफ से आंसू गैस का एक गोला उछालकर वापस पुलिस वालों की तरफ फेंक दिया गया। आंसू गैस चलाने वाली पुलिस ही उल्टे पांव दौड़ने लगी। हालत यह है कि अब श्रीलंका के छोटे शहरों में भी विरोध की आग भड़क चुकी है। हर उम्र के लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। कहीं लोग झंडे हाथों में लेकर हाईवे के किनारे खड़े दिखते हैं, तो कहीं महिलाएं रसोई के बर्तन बजाती हुई सड़क पर निकल रही हैं, कहीं मशाल जुलूस निकल रहे हैं, तो कहीं श्रीलंका की सरकार के मंत्रियों के घरों के बाहर भीड़ जमा दिखती है। वहां की पुलिस और सेना का सबसे बड़ा काम अब प्रदर्शनों को रोकना और प्रदर्शनकारियों को काबू में करना रह गया है। कोलंबो में इस समय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए न्यूज 18 की टीम की एक ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में मौजूद हूँ, तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। लोगों का भारी आक्रोश है, ये भीड़ आप देखिए, काफी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जिनके हाथों में ये बैनर्स है गो होम गोटा, ये आप देख सकते हैं, और ये भी लिखा है थैंक यू फॉर यूनाइटिंग अस, नाउ गेट लॉस्ट, इस तरह के बैनर्स है, गिव अस अवर स्टोलन मनी बैक। पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का इस्तीफा हो। वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, महंगाई आसमान छू रही है, काफी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर जहाँ पर आप देखेंगे, ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें पूरी स्थिति को बयां कर रही है, किस तरीके से एक देश कंगाल हो चुका है, उनका भविष्य खतरे में है, उनके पास न रोजगार है न रोटी है। फॉर द लास्ट पास्ट 74 ईयर्स यू हैव, इस तरीके से यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे क्योंकि लोग काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान हैं। और आप देखिए ये भी लिखा है वी हैव टू वेट द पाई। आप बताइए कहाँ से आप आई हैं? हम श्रीलंका कोलंबो। क्या मांगे हैं आप? हमको ये गांव में चेंज करना ही होगी क्योंकि हम बहुत मुश्किल में रहती हूँ। हमको गैस नहीं है, पावर भी नहीं है, एजुकेशन भी बहुत लॉस है, तो फिर हम मांगती हूँ ये गांव में चेंज करने के लिए, तो आप लोग मदद करना हमको। आप स्टूडेंट हैं? नहीं नहीं, काम कर रही हूँ। आपका काम क्या करती है? रिसेप्शनिस्ट है। रिसेप्शन उस पर भी असर पड़ा है? हाँ, हमको सैलरी भी कम है, तो सैलरी नहीं, हाँ नहीं मिलेंगी फिर, क्योंकि ये सैलरी के साथ हमको नहीं जी सकते इधर, इसीलिए आपको हमको ये गवर्नमेंट चेंज करना ही होगा, हमको ये चेंज करना ही होगा। बिल्कुल, तो देखिए लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं अपने घर का सारा काम छोड़ करके, महंगाई आसमान छू रही है, लोग दाने दाने को मोहताज आ गए हैं, लोगों के चेहरे आप देखिए, इसमें छात्र भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो इस देश का भविष्य है। यू कांट साइलेंट श्रीलंका, गिव अस अवर मनी बैक, क्योंकि सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, परिवारवाद के भी आरोप लगे हैं, और ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि 6 लोग मिलकर के जो सरकार को चला रहे थे, लेकिन सिर्फ कैबिनेट का इस्तीफा मंजूर नहीं है, इसमें राष्ट्रपति का भी इस्तीफा होना चाहिए। गोटा गो बैक, इस तरह के पोस्टर्स इनके पास है, इस तरह के नारे वो लगा रहे हैं।
अगर हम देखें तो पूरे श्रीलंका में इस तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इस तरह की आवाजें आ रही हैं। ये आम लोगों की आवाज है, ये आम नागरिकों की आवाज है। वो चाहते हैं कि उनका देश पहले जैसा हो जाए। वो चाहते हैं कि जो जिंदगी भर उन्होंने अपने आशियाने बनाए हैं, अपनी जिंदगी की कमाई की है, वो पैसा किसी काम का नहीं है। अगर इस देश की माली हालत खस्ता है, इस देश में जरूरी सामानों की किल्लत है।